नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखित उपन्यास मानस का अंश लेकर आए हैं। ये उपन्यास तुलसीदास जी के ऊपर है। तुलसीदास जी की तत्कालीन समाज की स्थिति को बताया गया है। रत्नावली की प्यार को वहाँ पर दर्शाया गया, त्याग की भावना को दर्शाया गया और राम भक्ति के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम उपन्यास की तरफ आते हैं। ये उस समय की बात है जब तुलसीदास जी भगत गोस्वामी तुलसीदास बनकर लोला अर्क कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करने के बाद मठ के आंगन में ही बैठे भक्तजनों को श्री कृष्ण की भक्ति का महत्व समझाते हैं, उन्हें अवतार के बारे में बताते हैं और इसी चीज़ में वो उनको हर तरह की छोटी छोटी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो भक्तजन चले जाते हैं तो वे अपने आप में खो जाते हैं और वो राम से एक तरह से शिकायत करते नज़र आते हैं कि हे राम, आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते, जबकि कभी कभी तो हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं लेकिन आप नहीं आते हैं। और उनकी मनोदशा इस तरह से हो जाती है और वो उदास हो जाते हैं और वहीं पर मंदिर के चौखट पर माथा टेक कर और फिर राधा कृष्ण की मूर्ति को निहारने लग जाते हैं और एक तरह से उनका राम के प्रति मार्मिक वेदना प्रकट होती हुई दिखाई देती है। इसमें वो श्री राम से कहते हुए नज़र आते हैं कि हे राम, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार इतना सा कह दो कि तुलसी तू मेरा है। और इसी तरह वजह से वो उदास वहाँ पर बैठे हुए हैं। तभी राजा भगत आ जाते हैं और राजा भगत वहाँ पर आते हैं तो वो तुलसीदास जी अपनी उदासी को भूल जाते हैं और उनका स्वागत करने चले जाते हैं। वो वहीं पर रत्नावली को भी देखते हैं। तुलसीदास जी अपने सेवक से कहते हैं कि रत्नावली के ठहरने की व्यवस्था करवाई दी जाए और इसके लिए वो बगल वाली कोठरी में उन्हें ठहरने के लिए कहते हैं। इधर राजा जी से वो मिलकर उनसे सब किसी की बातें पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं और रत्नावली के लिए अपने सेवक से कहते हैं यदि माता गंगा स्नान को जाना चाहती हैं तो उन्हें गंगा तट पर भेज दिया जाए। इधर जब सभी हालचाल पूछ लिए जाते हैं तो राजा भगत अपने नातेदार हिरेंद्र अहिर के पास मिलने चले जाते हैं और रत्नावली स्नान आदि से निवृत्त होकर वो रसोई घर में चली जाती है। वहाँ सभी को पता लगता है कि तुलसीदास जी की पत्नी आई हैं तो उनके प्रति वो अपना आदर प्रकट करते हैं। सभी सेवक मना करते हैं उन्हें खाना बनाने के लिए पर रत्नावली मानती नहीं और वो खाना बनाने लग जाती है। रसोई घर से वही खुशबू उनके महसूस होती है तुलसीदास जी को और जब बाद में उनके पास खाना परोसा जाता है तो पूर्व का अनुभव, वर्षों पुराना जो अनुभव था उन्हें महसूस होता है, वही खुशबू उन्हें मिलती है कि रत्नावली के हाथ का बना हुआ खाना है। वो प्रसन्नता के साथ उसे खाते हैं और फिर दूसरे दिन टोडर का आना होता है और टोडर जी वहाँ आते हैं। तुलसीदास जी उनसे राजा भगत का परिचय कराते हैं, पत्नी के आने की सूचना दी जाती है, उनसे कहा कि गंगा राम के यह से ये कह देना कि रत्ना देवी हमारे बाल मित्र की धर्म पत्नी के प्रति अपना आदर प्रकट करना चाहती है। इस सूचना को पाते ही टोडर जी बहुत प्रसन्नता जाहिर करते हैं और कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि माता हमारे यहाँ पर भी दर्शन देगी, हमारे घर पर भी आएगी और एक दिन ऐसा वो भाग्य होगा हमारे पास कि आप दोनों गठ जोड़े से यहाँ, मतलब तुलसीदास और रत्नावली के लिए कहा गया है कि आप दोनों गठ जोड़े के साथ हमारे यहाँ पर पधारेंगे और आपकी झूठन हमें खाने को मिलेगी। क्योंकि वो तुलसीदास जी से अथाह प्रेम करते थे, उनके भक्ति भाव को देखकर उनकी प्रसन्नता हमेशा उनके प्रति एक तरह से आस्था बनी हुई थी। इसी बात को लेकर गंगाराम रत्नावली को लेने के लिए पालकी भेज देते हैं। रत्नावली प्रहलाद घाट चली जाती है। रत्नावली के जाने के बाद फिर तुलसीदास जी उदास हो जाते हैं। वो उससे बात नहीं करते थे तुलसीदास जी रत्नावली से, लेकिन उन्हें महसूस होता था। इसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि रत्नावली चली गई है। वो राजा भगत के साथ बैठे हुए हैं, इतनी देर में रसोई में से नौकर दो ग्लास दूध लेकर आता है। तुलसीदास जी बोलते हैं अरे भाई गोसाई क्या बना है, तो वो बोलते हैं कि दोनों दूध के लिए बोलते हैं आपस में, तो वो एक घूंट दूध पीता है तो मलाई चापते हैं तो वे मुँह बना लेते हैं, फिर मुस्कुरा कर कहते हैं कि वाह रे राम जी, कहाँ तो एक दिन का की कटोरी भर छाछ पाने के लिए मैं ललायत रहता था और अब इस खुशबूदार दूध की मलाई भी खाते मुझे अच्छी नहीं लग रही। राजा जी उससे बोलते हैं कि इस तरह से क्यों अपना अपमान करते हो, आपकी जीवा से तो भगवान भी स्वाद लेते हैं।
और ये तो आप बात अच्छी नहीं लगती आपको, बल्कि खुश होकर इस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तो गोस्वामी जी चुपचाप से दूध पी लेते हैं। फिर उन्हें पता लग जाता है, क्योंकि ये रत्नावली की वजह से दुखी हैं, तो इसी बात को लेकर राजा तुलसी का पैतरा समझ गए और उस बात को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो रत्नावली की बातों को कहते हैं कि आप तो आपकी तपस्या को तो सब जानते हैं भाई तुलसीदास, तुम्हारी तपस्या को तो सब जानते हैं, हम तो उस भोजी या भाभी की तप को देखकर भी अपने मन में ठिकाना नहीं रह पाता, क्योंकि इस तरह की जोगन इस युग में तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। फिर तुलसीदास जी चुप होते हैं, क्योंकि रत्नावली की कठिन साधना के प्रति, अपने मित्र के प्रति जो ये उद्गार के शब्द सुनते हैं, उन्हें उन्हें अच्छा लगता है, संतोष होता है। फिर राजा कह रहे हैं कि गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनाई जाती है, कि जो तुम्हें अच्छा लगता था उस समय उसी तरह का खाना बनाया जाता है, फिर उसी खाने को वो भूखे लोगों को खिला देती है। आप बिना चुपड़ी बिना साग भाजी के दो रोटी खाकर अपने दिन बिताती है, रोज़ तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारे बैठक में झाड़ू लगाना, तुम्हारे एक एक चीज़ को सहज कर संभाल कर रखना, कहाँ कहाँ तक कहें भैया, वो कि भाभी के जैसी तपस्वी हमने नहीं देखी है। तुम घर से निकल गए, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति तुम्हारे अभी तक घर में बांध कर रख रखी है। ये बातें जब तुलसीदास जी सुनते हैं तो उन्हें के मन में अजीब से ख्याल आने लगते हैं और मन उनका तुलसीदास जी का मन अंतर्द्वंद में फंस जाता है कि मैं क्या करूं। और उस समय वो राजा भगत को चुप कर देते हैं, क्योंकि वही बातें उनके दिमाग में घूमती रहती है, उनकी मन स्थिति इस तरह से ऊपर हो जाती है, जैसे वो सोचते हैं कि मैं किस तरह का हो गया हूँ, कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मैं थाली के बैंगन के समान हो गया हूँ, कि मैं इधर लुढ़कता कभी इधर लुढ़कता। कहने का तात्पर्य ये वो बताना चाह रहे थे कि वो या तो वो श्री राम की भक्ति करें या फिर रत्नावली की तरफ जाए। तो यही बात उनके मन में पूरी रात चलती रहती है। वे चादर ओढ़कर लेटने की कोशिश करते हैं, राम का जाप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता है। और इसी में वो सोचते हैं कि यह मैं रत्नावली से दूर हूँ और मैं उससे निटराई दिखा रहा हूँ, तो कहीं इसी वजह से तो राम मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। ये बातें वो सोचते हैं। फिर एक तरफ उनका दिमाग चलता है कि मैं यदि रत्नावली को अपने पास साथ रख लेता हूँ तो क्या राम मुझे दर्शन देंगे, या फिर क्या मेरी साधना सफल हो पाएगी, क्या मैं ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति पूरी तरह से दिखा पाऊँगा। इसी सोच में लगे रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, सवेरे उठते हैं। सवेरे उठने पर जब बैठे हुए हैं इतनी देर में तो तुलसीदास जी के पास नत्थू नाई आता है, उनके हजामत और उनके बाल काट रहा होता है, तो वो रत्नावली की बातें करता है कि भाई मुझे पता लगा है कि माता यहाँ पर आई हैं, इस तरह से उनकी प्रशंसा करता है। तो फिर भी वो तुलसीदास जी चुपचाप उदास वो बातें सुनते रहते हैं। फिर उनके एकदम में मन में विचार आता है, वो अपने नौकर को बुलाते हैं और नौकर से कहते हैं कि रत्ना कहिए कि रत्नावली यहाँ से चली जाए, राजपूत वापस लौट जाए। तुलसीदास जी का नौकर वहाँ जाकर ये रत्नावली को बात बताता है, तो रत्नावली दुखी हो जाती है और फिर वो कहती है कि मैं ठीक है, उनसे ये कह देना कि मैं एक बार मिलना चाहती हूँ। तो तुलसीदास जी के पास नौकर जाकर ये कहता है, तो तुलसीदास जी हाँ कर लेते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं, नौकर से कहते हैं कि पर्दा गिरा दो और उन्हें बैठने के लिए आसन बिछा दो। रत्नावली आ जाती है और पर्दे को टंगा हुआ देखती है तो वह सिर झुकाकर वहीं खड़ी हो जाती है और धीमे स्वर में कहती है कि जय सिया राम। और उधर से भी तुलसीदास जी जय सिया राम कहकर आसन पर बैठने के लिए कहते हैं। फिर वो कहती हैं कि मैंने आप गंगाराम के यहाँ पर आपका रामचरितमानस का प्रयाण देखा था, मैंने उस वाल्मीकि की कृति से श्रेष्ठ और या अच्छा माना जो कि भक्ति प्रदान है। तो इस पर रत्नावली की बात सुनकर तुलसीदास जी ने संतोष व्यक्त करते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी तुम्हें रामचरितमानस का एक शीघ्र प्रति पहुँचा दूँगा। ये सुनकर रत्नावली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब तुलसीदास को जी को महसूस होता है कि रत्नावली रो रही है, तो लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये संतोष के आंसू हैं। तो फिर रत्नावली बोलती है कि मैं आपसे एक भिक्षा मांगती हूँ। तो उन्होंने कहा, तुलसीदास जी ने मांगो, तो उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखलाने की कृपा करना। और ये बात सुनकर तुलसीदास जी उन्हें वचन दे देते हैं कि मैं अवश्य आऊँगा। इतना कहते ही रत्नावली वापस चली जाती है और तुलसीदास जी अपनी दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो राम की भक्ति में लीन होते चले जाते हैं।
यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन को मेरी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।